हॉकी खिलाड़ियों के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खासकर पूर्वांचल और गोरखपुर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नई सौगात दी है। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज में सिंथेटिक हॉकी मैदान का सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फीता काटकर उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने हॉकी से गेंद को जोरदार शॉट मारकर शुभारंभ किया। इस दौरान वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के खिलाड़ियों के बीच औपचारिक मैच खेला गया, जिसका मुख्यमंत्री ने देखकर लुत्फ उठाया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस सिंथेटिक मैदान पर हॉकी के खिलाड़ी गेंद की रफ्तार से मुकाबला कर रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी दावेदारी मजबूत करेंगे। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी एवं खेल निदेशक आरपी सिंह ने कहा कि खासकर गोरखपुर और पूर्वांचल में कहीं भी एस्ट्रोटर्फ नहीं था। हॉकी खिलाड़ी जब शुरू से ही एस्ट्रोटर्फ पर खेलेंगे तो उनको इसका लाभ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगा। ये बहुत खुशी की बात है कि जब एस्ट्रोटर्फ नहीं था तो खिलाड़ियों को अभ्यास करने का मौका नहीं मिल पाता था। पूर्वांचल के खिलाड़ी बहुत ही भाग्यशाली हैं, जिन्हें बचपन से ही इस खेल पर खेलने का मौका मिल रहा है। आने वाले दिनों में अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करेंगे। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में खेलकूद युवा कल्याण एवं कौशल विकास मंत्री चेतन चौहान, खेल निदेशक आरपी सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह, कालीवाड़ी के महंत रविंद्र दास, महेंद्र पाल सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रधानाचार्य ए.के. पांडे उपस्थित रहे। इस संबंध में गौरवपूर्ण संवाददाता से बात करते हुए पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी एवं उत्तर प्रदेश के खेल निदेशक आरपी सिंह ने कहा, महाराज तेज शॉट मारिएगा थोड़ा ग्राउंड से देखिए, जो ये टर्फ का आज उद्घाटन हुआ है, खास तौर से गोरखपुर और पूर्वांचल अगल बगल कहीं भी ये टर्फ नहीं थी, और जो मॉडर्न हॉकी है वो टर्फ की ही है। तो इसके लग जाने से जो भी हमारी उद्यमान बालक बालिकाएं हैं, खिलाड़ी हैं, वो शुरू से इस पर खेलेंगे और उसका लाभ उनको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगा। और ये बहुत खुशी की बात है कि पहले जब ये टर्फ नहीं था यहाँ पे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि खिलाड़ियों को अभ्यास करने का मौका नहीं मिलता था। हम लोग भी यहीं रीजनल स्टेडियम में ग्रास पे खेल के वहाँ पहुँचे, तो जब वहाँ हम लोगों ने पहली बार टर्फ देखा तो समझ में नहीं आ रहा था। आज ये लड़के सौभाग्यशाली हैं, खासतौर से ये पूर्वांचल के लड़के, उनको बचपन से इस पे खेलने का मौका मिल रहा है, तो वो शुरू से ही इसमें आदि हो जाएंगे और आने वाले दिनों में अपने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन करेंगे। जो मॉडर्न हॉकी है वो
स्पीड और स्ट्रेंथ की हॉकी है और बहुत फास्ट गेम होता है। इसमें नहीं है कि गेंद नहीं रुकी, इसमें 100 में आप आंख बंद करके भी रुकिए तो 100 में 95-96% बॉल अपने आप रुकती है। और इसमें जितना आपके पास स्पीड होगी, स्ट्रेंथ होगी, उतने ही आप अच्छा खेलेंगे। तो ख़ास तौर से ये परफेक्ट ग्राउंड होती है, ये नहीं कि ग्रास की है या कहीं आप बजड़ी पे खेल रहे हैं, बॉल आई तुरंत उठी और लाइन के बाहर चली गई। और सबको समान रूप से ये मौका देता है, जो अच्छा होगा वो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। सर, जैसे आम ग्राउंड पे खेलने से और इस पे जो खिलाड़ी खेलेगा पहली बार उसको किस तरह की? देखिए, जमीन आसमान का फ़र्क है, इसके लिए जूता अलग चाहिए, हॉकी चाहिए और बॉल अलग है ग्रास की, और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसके लिए तो कम से कम इसके जूते अलग आते हैं, इसकी हॉकी अलग है, इसके बाल अलग हैं, तो टोटली डिफरेंट है ये हॉकी। जैसे कि आप बैडमिंटन खेलते हैं इनडोर और आउटडोर, वही समझिए कि ग्रास में और टर्फ में ये अंतर है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो हॉकी है वो इसी टर्फ पे होती है, तो हमारे बच्चों को ये बहुत अच्छा मौका मिला है कि अपने खेल को शुरू से इस पे खेलें और